हाँ जी, स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। तो अज की इस वीडियो में आप गल करांगे जो तुहाडा पेपर अज होएगा समाजिक विज्ञान का, टर्म वन का दिसंबर पेपर, उसनों आप तुहाडे लिए हल करांगे। तो तुसी अपने उत्तर इन्हां सही उत्तरां दे नाल मिला लियो तां जो तुहानूं पता लग जाए तुहाडे किन्ने अंक इस पेपर दे विचों आउणे हैगे। उंज मैनूं उम्मीद है भी तुहाडे लगभग सारे प्रश्न सही होने। ठीक तां आओ हल करदे। सब तों पहला भूगोल भाग का प्रश्न नंबर एक वेखीए। सूरज मंडल का सब तो गर्म ते चमकीला ग्रह केड़ा गा? हाँ जी, तो यह उत्तर सी सी ऑप्शन, शुक्र। पृथ्वी के कुदरती उपग्रह का नाम की हैगा? हाँ जी, पृथ्वी का उपग्रह की हैगा? चन, चंद्रमा। प्रश्न नंबर तीन, हेठ लिखिया विचों केड़ा लीप का साल हैगा? हाँ जी, 2020। तो लीप का साल पता करने के लिए की हैगा, तुसी उन्हें चार नाल डिवाइड करना, वंडना गा। अगर वो साल पूरा पूरा वंडिया जाता तो मतलब वह लीप का साल हैगा। ग्लोब का सब तो व्डा चक्कर किहड़ा गा? हाँ जी, ग्लोब का सब तो व्डा चक्कर होंगे गा भूमध रेखा। ठीक है, मान लो जेकर असं इस तरीके गल करिए, आ ग्लोब हैगा, तो ग्लोब के विचकारली जिहड़ी लाइन होंगी हैगी भूमध रेखा, वह सब तो व्डा चक्कर है। भूमध रेखा तो 1 डिग्री अक्षांशां की दूरी, ठीक है, इतने अर्शा नहीं अक्षांश हैगी, अक्षांशां की दूरी कितनी होंगी हैगी? 111 किलोमीटर। मतलब एक तो दूजे अक्षांश तक दूरी कितनी होंगी इन्हां दे विचकार? 111 किलोमीटर। एक कल्पित रेखा जो धरती को दो समान अर्ध भागों में वंडती है, हाँ जी, उस इमेजनरी लाइन का की नाम है भूमध रेखा। लीप साल के किस महीने में 29 दिन होंगे है? हाँ जी, उस जो जो साल लीप का होंगे गा वो फरवरी का महीना 29 दिन होंगे गा, उंज फरवरी के 28 दिन होंगे है, बट जो लीप ईयर होगा वो फरवरी के 29 दिन होंगे। सूरज मंडल का सब तो छोटा ग्रह केड़ा गा? हाँ जी, सब तो छोटा ग्रह गा बुध। सूरज धरती तो किन्ने किलोमीटर दूर है? हाँ जी, तो यह उत्तर आ जाएगा ए 15 करोड़। सारे संसार में दिन और रात की लंबाई किस दिन लगभग बराबर होंगी है? हाँ जी, 21 मार्च से 23 सितंबर। प्रश्न नंबर 11, सूरज परिवार में किन्ने ग्रह ने? 8। किहड़े खेतरां विच 6 महीने दिन ते 6 महीने रात हुंदी है? हाँ जी, ध्रुवी खेतरां दे विच, ध्रुवां दे। इस तों बाद इतिहास भाग, प्रश्न नंबर 13, कौटिल्य ने किहड़ी पुस्तक लिखी हैगी? हाँ जी, इन्हें लिखेगी अर्थशास्त्र। रामायण की रचना किसने की सी? ऋषि वाल्मीकि ने। अग की खोज किसने की? हाँ जी, आदमानव ने, जिहड़ा पुराना मनुख सी आदमानव। यूनानिया ने कपाह की जानकारी किस तों प्राप्त की सी? भारत तों। प्रश्न नंबर 17, आर्या कितों के मूल निवासी सन? हाँ जी, कितों के सी? भी पंजाब के। महात्मा बुद्ध का जन्म कितों हुआ सी? लुंबिनी दे विच। चंद्रगुप्त मौर्या ने किस वंश का खात्मा किया? हाँ जी, इतने वंश हैगा भी, ठीक है, किहड़ा वंश सी? तो उसने धनानंद मारिया सी, जिहड़ा कि नंद वंश का सी, तो उन्हें नंद वंश का अंत किया सी। नंबर 20, सिकंदर ने भारत उत्ते हमला कदों किया सी? 326 ईस्वी पूर्व दे विच। प्रश्न नंबर 21, प्राचीन भारत में किन्ने महाजनपद सन? हाँ जी, 16। संसार की सब तो पुरानी पुस्तक कौन हैगी? ऋग्वेद। ऋग्वेद को संसार की सब तो पुरानी पुस्तक कहा जाता है। नंबर 23, नील नदी की घाटी कित्थे स्थित है? हाँ जी, मिस्र दे विच स्थित है। नंबर 24, आदि मनुख किहड़े कपड़े पहनता सी? हाँ जी, उस समय वह दरख्तों के पत्ते या जिहड़े छिल्लड़ सी उन्हां दी वरतों करता सी कपड़ियां दे लई। नंबर 25, मनुख ने खेतीबाड़ी करनी किस युग में शुरू की थी? हाँ जी, नवीन पत्थर युग के विच, न्यू स्टोनेज। मोहनजोदड़ो में सब तो प्रसिद्ध इमारत कि इशनान घर, उत्थों का इशनान घर, विशाल इशनान घर। लोथल बंदरगाह किस राज विच है? हाँ जी, स्थित है कि गुजरात के। इतिहास किस काल का अध्ययन है? भूतकाल का। महाभारत डैश पुस्तक है? हाँ जी, एक धार्मिक पुस्तक हैगी, ठीक है, एपिक है, महाग्रंथ है एक। इतिहास शब्द यूनानी भाषा के शब्द डैश तो लिया गया? हाँ जी, इतने हिस्टोरिया होना सी भी, ठीक है, इतने हिस्टोरिया कर ले तुसी, पहली ऑप्शन सही सी हिस्टोरिया। नंबर 31, पत्थर युग के मनुख को किस नाम नाल जाना जाता है? वह शिकारी भी सी ते संग्रहक भी, तो उपरोक्त दोवें। नंबर 32, सिंध घाटी के लोग किस दी पूजा करते? हाँ जी, वह माता देवी की पूजा करते, मदर गॉडेस। इस तो बाद नारी शास्त्र भाग, समाज की मुढ़ली इकाई कि परिवार।
कई राज्यों तो मिलके की बनता गा? हाँ जी राज्यों तो मिलके की बन जाते ने भी देश। मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या केड़ी जमात तक लागू है? ठीक है हाँ जी, केड़ी जमात तक लागू है भी ये वैसे 8वीं जमात तक सी, ठीक है, पहली तो 8वीं जमात तक। किन्नी उम्र दे ली हैगी? 6 तो 14 साल दे ली। पंजाब दे विच किन्ने जिले हन? हाँ जी किन्ने जिले ने भी 23। पंचायती राज की सिखरली इकाई केड़ी हैगी? जिला परिषद। पंचायत की आमदन के खर्च का हिसाब कौन रखता गा? पंचायत सकत्तर। समुदायिक जीवन का आरंभ किस धंधे तो बाद शुरू होया? जो मनुख ने खेतीबाड़ी करनी शुरू की। प्राचीन समय में किन्ने परसेंट लोग पिंडा विच रहिंदे सी? हाँ जी 90%। ठीक, तो ये 40 MCQ सी जिहड़े तुहानू पेपर दे विच आए सी, ते मैनूं उम्मीद है भी लगभग तुहाडे सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने। इस तो बाद जिहड़ा तुहाडा नैक्सट पेपर हैगा उसकी तैयारी करो, तां जो उहदे विच वी तुहाडे चंगे अंक आ सकन। ठीक है बेटा, ओके जी, थैंक यू।